इस छंद में बड़े ही सुंदर भाव में कवि ने बताया है कि किसकी चीज के जैसा कौन सी चीज नहीं है, बताया है। लिखा है कवि महोदय ने बहुत ही सुंदर भाव में, अरे नहीं है ताल सरोवर जैसा और गंगा जैसा नीर नहीं और परशुराम सा परस नहीं और चाणक जैसा बजीर नहीं। और गंगा जैसा नीर नहीं और परशुराम सा परस नहीं और चाणक जैसा बजीर नहीं। और बताया बेटा प्रांशु और शोभित जी, अरे सीता जैसी सती नहीं और अर्जुन जैसा वीर नहीं रामचंद्र सा राजा नहीं और लक्ष्मण जैसी लकीर नहीं। और कृष्ण जैसा योगी नहीं है लला दलीप, अरे कृष्ण जैसा योगी नहीं और रावण छाया अभिमान नहीं करो घमन चाहे कोई कितना नारद जैसा ज्ञान नहीं। और अरे दयानंद सा इस दुनिया में, अरे दयानंद सा इस दुनिया में और वेदों का विद्वान नहीं लाख तिजोरी धन की हो पर करण जैसा दान नहीं। और बताया, अरे हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई और भारत जैसा देश नहीं झूठ बराबर पाप नहीं और हाथी जैसा भेष नहीं। गाओ करे और बोल बराबरी ठेस नहीं साँच बराबरी
तप नहीं और झूठ बराबरी पाप नहीं। अरे सूरज जैसा तेज नहीं है, चंदा सा प्रकाश नहीं, गौतम जैसा नहीं, महात्मा मछली जैसा पास नहीं। और बहादुर खास नहीं, दूजा अब तक कोई मात ने जन्मा वीर सुभाष नहीं। और आप लोग ये छंद सुन रहे हैं सुभाष शास्त्री दूरा वालों की आवाज में, ढोलक प्रसाद दे रहे हैं दलीप यादव पैंदापुर की तरफ से, चिमटा प्रसाद दे रहे हैं केपी सिंह यादव जी ये भी पैंदापुर की तरफ से, और घड़ा प्रसाद दे रहे हैं गौतम सिंह कुशवाहा जी ये दूरा की तरफ से, मंजीरा प्रसाद दे रहे हैं शोभित सिंह कुशवाहा जी शोभित नादान ये भी दूरा की तरफ से, और पास में बैठे हुए हैं पंकज यादव ग्राम घेरा की तरफ से। आइए गौर करते हैं बताया। अरे नहीं है ताल सरोवर जैसा, गंगा जैसा नीरा नहीं, परशुराम सा फरस नहीं, यार चारक जैसा बजीर नहीं।